चैनल, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज है 15 अक्टूबर, यानी कि आज है दशहरा। तो आप सभी लोगों को दशहरे की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और पता अभी क्या हो गया ना कि मैं इधर उधर कोना ढूंढती फिरती रहती हूँ कि आप लोगों को किधर से पूरा का पूरा ना दिखेगा, क्योंकि मैं होम टूर कराऊंगी ना, तो फिर देखने लायक कुछ रहेगा नहीं ना। इसी वजह से मैं कोना ढूंढती ढूंढती आती हूँ कि किस कोने में बैठूंगी, आप लोगों को घर की जो झलक है ना वो थोड़ी सी दिखे, बाकी की ना दिखे। तब मैं होम टूर अभी जल्द करा दूंगी, क्योंकि ऐसे कोना ढूंढने से अच्छा ना कि एक बार होम टूर करा दी तो फिर बिंदास घर में घूम के मैं वीडियो बना सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज है दशहरा, तो हम लोग गए थे मार्केट दोनों गाड़ियों को धुलवाने के लिए। तो क्योंकि आज दोनों गाड़ियों की पूजा होगी, क्योंकि आज के दिन ना गाड़ियों की पूजा करना ही करना चाहिए। जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है या फिर गाड़ियां वगैरह होती है, उन सबकी पूजा करते हैं ना, इसीलिए तो हम लोगों के पास अभी दो गाड़ियां हैं, तो हम दोनों गाड़ियों की पूजा करेंगे। और अभी हम लोग गए थे उनको धुलवाने, तो धुलवा के ले आ चुके हैं। और फूल वगैरह जो हमको लाना था वो सब कुछ हम लोग ले आए, सब्जी वगैरह। ज्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया मार्केट का, क्योंकि थोड़ा सा रश भी था और आज ना माता जी की विदाई भी चल रही थी, तो इस वजह से और ज्यादा मार्केट में रश लग रहा था, इसलिए मैंने फोन भी नहीं निकाला। और उसके बाद हम लोग आ गए, हम लोगों ने नाश्ता बनाया, नाश्ता कर लिया और उसके बाद मैं सीधे गई थी नहाने के लिए। तो मैं नहाकर रेडी हो चुकी हूँ और अभी हम चलेंगे पूजा करने के लिए। अपने मंदिर में पूजा कर देते हैं पहले, क्योंकि मैंने मंदिर की भी अभी तक पूजा नहीं की, क्योंकि मुहूर्त थोड़ा लेट का था, तो मैंने सोचा कि चलो बाकी के काम निपटा दी तो फिर पूजा साथ में दोनों गाड़ी की भी हो जाएगी, मंदिर की भी हो जाएगी और गेट पे जो तोरण लगाना है उसकी भी हो जाएगी। तो चलो सीधा चलते हैं पहले मंदिर में, मंदिर को डेकोरेट कर लेते हैं और पूजा कर लेते हैं, इसके बाद चलेंगे नीचे गाड़ी की पूजा करने। लोगों की पूजा हो चुकी है कंप्लीट और इसके बाद चलते हैं सीधा गेट में तोरण लगाने के लिए। तो यहाँ पर हनी लगा रहे हैं गेट में तोरण, और त्योहारों की यही तो रौनक होती है ना कि मतलब छोटी छोटी चीज़ों से घर को डेकोरेट करो, फिर घर की जो रौनक होती है ना वो तो एकदम अलग ही लेवल की हो जाती है। और त्यौहार, तीज त्यौहार जो होते हैं ना, उसमें घर की रौनक ही कुछ अलग ही लेवल की रहती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने गेट में लगा लिया हुआ है तोरण, और गेट देखो कितना सिंपल सा दिख रहा था, बट अभी तोरण लगने से गेट में ना एक जान सी बिल्कुल आ चुकी है, तो कितना प्यारा लग रहा है ना। और इसके बाद चलते हैं सीधा नीचे गाड़ियों की पूजा करने के लिए। हम लोग आ चुके हैं पार्किंग एरिया में, जहाँ पर हमारी दोनों गाड़ियाँ पार्क है, सॉरी गाड़ियाँ नहीं, हमारी जहाँ पर दोनों डुग्गियाँ पार्क है। और भैया आज तो दोनों की दोनों डुग्गियाँ धुल कर आई हैं, पॉलिश होकर आई हैं। तो आज तो वो लोग देखो, पहले उनका फुल लुक देख लो, कितनी प्यारी लग रही है, मतलब धुलने के बाद ना, मतलब डुग्गी तो चार चांद ही लग रहे हैं डुग्गी में। और अब डुग्गी की कर रही हूँ यहाँ पर मैं पूजा, तो अब मैंने डुग्गी पर बना दिया हुआ है साथ ही, और मैं अच्छे से फूल वगैरह चढ़ा देती हूँ, भोग लगा देती हूँ। और यहाँ पर मैंने कर ली हुई है आरती, अभी इन दोनों के लिए लेकर आए हैं माला, तो अभी वो भी पहनाएंगे। तो इससे पहले पहले छोटी वाली डुग्गी के भी पूजा कर देते, फिर माला दोनों को साथ में पहनाएंगे। तो छोटी वाली डुग्गी यहाँ पर खड़ी कर दी हुई है, ये भी आज धुल कर आई है, पॉलिश होकर आई है, तो कितनी अच्छी लग रही है ना देखो। और ऐसे तो छोटे छोटे तीज त्यौहार होते हैं ना जो हमें याद रखने होते हैं, और इन्हीं में हमको खुद खुशी मिल जाती है। और क्योंकि हम लोगों की साइड ना, मतलब आज के दिन मतलब दशहरे के दिन ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, मशीनरी आइटम्स की और गाड़ियों की पूजा की जाती, तो बस हम दोनों भी यहाँ पर वही करें, क्योंकि जैसा हम लोगों ने देखा हुआ है घर में तो वैसे हम लोग भी करते हैं। और हमारे मल्टी में तो किसी ने गाड़ियों की पूजा की, तो पता नहीं शायद नहीं करते होंगे इधर साइड में, तो नहीं की, बाकी हम लोगों ने तो हमारी गाड़ियों की पूजा कर दी है, माला भी पहना दी हुई है। तो देखो छोटी वाली डुग्गी पहन चुकी है माला, तो कितनी अच्छी लग रही है ना। अभी चलते हैं देखो बड़ी वाली डुग्गी के पास, तो यहाँ पर बड़ी वाली डुग्गी को भी अब हनी पहना दे रहे हैं माला। और बड़ी वाली डुग्गी की माला जो है ना वो थोड़ी सी बड़ी थी ना, तो वो और अच्छी लगती है। छोटी वाली डुग्गी के लिए ना माला लेने इतनी बड़ी बनवा रहे, तो माला पूरी डुग्गी में ही झूल रही थी, तो हम लोग फिर सोचे कि चलो छोटी वाली ही माला ले लेते, तो उसके लिए छोटी वाली माला लाए और बड़ी वाली डुग्गी के लिए बड़ी वाली माला लेकर आए। तो बस हनी यहाँ पर माला पहना दे रहे हो, डुग्गी देखो कितनी ज़्यादा चमक रही है, और उसके भैया मालिक पहना रहे हैं उनको तो माला, तो चलो अभी माला पहना देते हैं। चुके हैं गाड़ियों के नीचे से पूजा करके, और अभी देखो गेट पे तोरण लग गया है, तो गेट कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब हरा भरा सा जो घर दिखता है ना वैसा वाली फीलिंग आ रही होगी देखिए। और मुझे ना गेट पे ऐसा
तोरण लगा दो, मतलब फूल वाली माला लगा दो या आर्टिफिशियल वाला जो तोरण आता है ना वो लगा दो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और अभी हम चलते हैं अंदर क्योंकि भूख भी लगने लगी है, खाना बनाना है। और खाने में आज मैं क्या बना रही हूँ, तो आज खाने में मैं बना रही हूँ पूड़ी और आलू की सब्जी। तो आलू मेरे बॉईल हो चुके हैं, अभी बस आलू की सब्जी बनाऊँ। तो आज आलू की सब्जी मैं बोल सोच रही हूँ कि हनी से बनवाऊँ, क्योंकि उनको ना हलवाई लोग जैसे आलू की सब्जी बनाते हैं ना उनको वैसी वाली पसंद, और मैं हमेशा बनाती हूँ मतलब वैसी बनाने की कोशिश करती हूँ, बट उनको शायद वैसी वाली नहीं पसंद आती है तो वो उस टाइप की बोलते रहते हैं। किचन में खाना बना लिया जाए, एक क्या पेट में चूहे भी दौड़ने लगे हैं, तो फटाफट से चला जाए किचन में। तो यहाँ पर मेरा खाना बनकर हो चुका है रेडी। तो मैंने आज बनाई है आलू की सब्जी और पूड़ी। तो मेरी आलू की सब्जी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी। मैंने आलू की जो सब्जी बनाई है ना वो रस्से वाली बनाई, और यहाँ पर मेरी गर्मा गर्म पूड़ियाँ भी रेडी हो चुकी और एकदम फूली फूली पूड़ियाँ हैं। तो मुझे तो अभी से मतलब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही तब भी खाने का मन कर रहा है। वैसे तो मैं खा चुकी हूँ, काफी टाइम हो गया है, एक दिन हो गया है, और यहाँ पर देखिए थाली लग चुकी। तो आप सब लोग भी आ जाओ हम लोगों के साथ खाना खाने के लिए। हमारा खाना बन चुका है, अब खाना खा लिया जाए हमारा। और खाने में आज आप लोगों को मैंने दिखाया ना क्या क्या बनाया हुआ है, तो ये देखो खाना क्या क्या है आज। तो चलो पहले फटाफट से खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बातें करती हूँ। मुझे कुछ ज्यादा करना नहीं था, सिर्फ टचअप करना था। तो ये मैंने ले ली है चुन्नी और अब हम लोग निकल रहे हैं। मैंने क्लेचर ले लिया, यहाँ की लाइट मुझे बंद करनी पड़ेगी। तो चलो पहले मैं लाइट बंद कर देती हूँ, गेट लगा देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को बात करूंगी, क्योंकि आप लोगों को पूरा का पूरा अंधेरा ही दिखने वाला है। तो अभी बस बाहर आ गए हैं और ये पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ हो, लो गेट लगा दो। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब रावण दहन देखने के लिए। तो पहले ना मैं आप लोगों को सिटी के अंदर जो झांकी वाला एरिया है ना वो दिखा देती हूँ, फिर आएंगे, क्योंकि अभी कॉलोनी में जो रावण दहन होने वाला है ना उसमें थोड़ा सा टाइम है। तो हम लोग सोचे कि चलो पहले थोड़ा सा मार्केट की शेयर करके आ जाते, तो हम लोग आ चुके हैं मार्केट में। और ये देखो कितने प्यारे तरीके से डेकोरेट किया, और आप लोगों को तो पता है ना कि मुझे लाइटिंग वाला जो डेकोरेशन होता है कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये ना माता जी जब बैठी थी ना तब से लेके अभी तो दिवाली तक ऐसा ही डेकोरेशन चलेगा। तो आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा रौनक लग रही है, और यहाँ पे ना झांकियाँ भी बनाई हुई थी, तो वो क्लिप तो मुझसे पता नहीं कैसे डिलीट हो गई सारी की सारी, जितनी मैंने कुछ शूट की हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो छोटे छोटे से क्लिप्स में ही ना मैं आपको पूरा का पूरा शहर दिखा देती हूँ कि कितना प्यारे तरीके से एकदम डेकोरेट किया था, बिल्कुल दुल्हन की तरह पूरे शहर को सजा दिया हुआ था। तो अभी सीधा चलते अपनी कॉलोनी वाले रावण को देखने के लिए। हमारी कॉलोनी के रावण दहन के लिए, और अभी ना राम जी मतलब बच्चा लोग राम जी बनी हुई है ना, तो बस वही हम लोग उसी में आए हुए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये सब लोग अभी आ रहे हैं धीरे धीरे, और पीछे ना बग्गी है उसमें राम जी हैं, और यहाँ पे ना बहुत ज्यादा आवाज, और एक्चुअली ना लाइटिंग की थोड़ी रिफ्लेक्शन जो है ना वो प्रॉपर नहीं हो रही है, जिस वजह से मैं कुछ क्लियर नहीं सुना पा गया। तो ये देखो इधर पटाखे कितने ज्यादा फूट रहे हैं, और देखो अभी पीछे बग्गी आएगी ना तो मैं आपको बग्गी में दिखाऊंगी। देखो दिख रही है वो लाइटिंग वाली बग्गी, उसी में ना राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी है, तो वो लोग आएंगे फिर रावण दहन करेंगे। तो चलो अभी जैसे वो लोग आते हैं पास में तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा आप लोग मुझे सही सही बताओ, आप लोगों का भी दिल कर रहा होगा ना कि ये सारे फेस्टिवल्स ऐसे ही हम लोग सब मिलकर एंजॉय करें। हर फेस्टिवल का एक अपना अलग अंदाज होता है, तो 2 साल में इन सारे फेस्टिवल्स को किस किस ने मिस किया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताओ। आतिशबाजी किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखो कितनी ज़्यादा आतिशबाजी हो रही है। हाँ हाँ
यहाँ पर बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये देखिए मेरे कॉलोनी के मेरे सब्सक्राइबर्स आए हुए थे मुझसे, जैसे ही मैं शूट कर रही थी ना तो वैसे ही मुझे इन लोगों ने देखा तो वैसे ही मुझसे बात करने के लिए आ गए थे, तो आई एम सो हैप्पी। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ छोटे से राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और अभी हनुमान जी गायब है। तो अभी देखो हनुमान जी तुरंत दौड़ लगा कर आ गए थे साइड में, छोटे से हनुमान जी भी खड़े। और ये लोग ना रियल बताओ तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, लाइटिंग यहाँ की प्रॉपर नहीं थी इस वजह से फेस हमारी कॉलोनी वाला एक तो हो गया है, एक और बाकी है तो अभी दिखाती हूँ। रावण दहन हो चाहे नहीं हो ये जरूर बस बस करने लगे, अभी चालू नहीं हुआ मतलब वो पटाखे अभी लगाएंगे अब जलेगा। देख दिख रहे हैं आप लोग रावण प्रॉपर नहीं दिख रहे, मैंने पास वाला बनाया तो वो भी मैं क्लिप ऐड कर दूंगी। क्या करना है तो आप लोगों ने ये वाला ब्लॉग इन्जॉय किया या नहीं किया? जिन लोगों ने रावण दहन अपनी अपनी सिटी में नहीं देखा हो तो हमारी सिटी में रावण दहन हुआ है तो आप लोग देख सकते हो, सॉरी सिटी नहीं हमारी कॉलोनी में रावण दहन हुआ है, छोटे लेवल पे ही हुआ है बट हुआ है, तो थोड़ा सा इन्जॉयमेंट हो गया हम लोगों का भी और अच्छा लग रहा है। 2 साल बाद ये सब चीज़ें हो रही है ना तो अच्छा लग रहा है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा रावण दहन तो यहाँ पर देखा यानी कि घर पर तो हमें कुछ मिला हुआ है, देखो दिखाओ क्या मिला है। ये देखो ये मिला हुआ है हमको प्रसाद, अब पता नहीं इसके अंदर क्या है, जो भी है वो घर जाके खोलेंगे तो आपको भी बताएंगे। तो अभी देखो पीछे सब डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है और हम जा रहे हैं घर। तो ये रही हमारी बिल्डिंग, ये दिख रही होगी पास से आप लोगों को, तो बस हम लोग जा रहे हैं और हमारी बिल्डिंग से शायद हम ही लोग आए इधर, तो हमको कोई दिख नहीं रहा, पूरा का पूरा अंधेरा है। तो चलो अभी हम लोग बिल्डिंग में पहुंच जाए उसके बाद आप लोगों से बातें कर ली। हम लोग आ चुके हैं अपने आशियाने में और बस आके बैठी हुई हूँ, अभी थोड़ी देर हो गई हमको, 10-1 मिनट हो चुके हैं आए हुए, तो मैंने सोचा कि चलो पहले अपने वीडियो का एंड कर देती हूँ, इसके बाद जाके ड्रेस वगैरह चेंज करूँगी। तो ये जो प्रसाद लेकर आए हैं ना देखो इसमें क्या है, चलो तो आप लोग के सामने ही ओपन कर लेती हूँ। मैंने रबर निकाल दी हुई है इसकी, अभी ओपन नहीं किया मैंने और एक हाथ से ओपन कर रही हूँ ना तो ये ओपन भी नहीं हो रहा है। तो ये देखो इसमें क्या है, प्रसाद में पूरी दी हुई है और ये सब्जी है और ये हरी मिर्ची तल के है ना वो दी हुई है, तो अभी इसको खाएंगे थोड़ी देर से। वैसे भी सुबह भी हम लोगों ने भी यही सब कुछ खाया तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा कुछ खाने का, बट रख देते खा लेंगे क्योंकि प्रसाद है तो प्रसाद को फेंक तो सकते ही नहीं, तो खाएंगे इसको तो, बट अभी थोड़ी देर से खाएंगे, हाथ मुँह धुल लेते इसके बाद खाएंगे। और अभी बिग बॉस भी आने वाला है तो बिग बॉस भी देखेंगे, और आज बहुत सारे नए लोगों से मिले हैं, नए लोगों से पहचान भी हो गई हो। और कॉलोनी में ना फर्स्ट टाइम ही नवरात्र भी हुए थे जो कि मैंने वीडियो आप लोगों से शेयर किया हुआ, और पहली बार ही रावण भी जलाया है तो हम मतलब रावण दहन हुआ है, जलाया हुआ नहीं बोलना चाहिए दहन हुआ है, तो हम लोग तो दोनों चीज़ों में ही गए तो बहुत ज़्यादा मज़े आए हैं। और अपनी फैमिली में और कुछ लोग भी ऐड हुए हैं तो उन सभी लोगों का जो आज मेरी फैमिली में ऐड हुए हैं उनको थैंक यू सो मच। और चलो अभी ये वाला वीडियो ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्योंकि मैंने बहुत कुछ कैप्चर किया है, एडिटिंग में कितना क्या आएगा कितना नहीं आएगा वो अभी मुझे देखना पड़ेगा। तो अभी इस वाले वीडियो ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।